कि आप डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर बनो, बहुत कुछ है। आप एक अच्छा हिस्टोरियन बन सकते हो, आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो, आप एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, है ना, बहुत कुछ कर सकते हो आप, है ना। आप क्रिकेटर बन सकते हो, बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हो, तो अपने अंदर के फैकल्टी को देखो ना। एक्चुअली हम जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना, हम डरपोक महके महके से गुलाबों में नजर आएंगे तुझको, नींद आई तो ख्वाबों में नजर आएंगे तुमको, तुमसे मोहब्बत करके इतने मशहूर हुए कि मर गए तो किताबों में नजर आएंगे तुमको। आज एक्स आईआईटी एकेडमी द्वारिका दिल्ली के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राम प्रवेश सर हैं, जो कि अपने इंस्टीट्यूट को अपने बदौलत आज हजारों बच्चों को इंजीनियर बना चुके हैं, डॉक्टर बना चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी परिचर्चा में एक्स आईआईटी इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर राम प्रवेश सर से। सर सबसे पहले केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जानेंगे कि एक्स आईआईटी एकेडमी जो द्वारिका दिल्ली में है वो कब से है और कब से आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर ये हमने 2005 में स्टार्ट किया था और 2005 से अभी कंटिन्यूसली चल रहा है वो और आगे चलेगा। सर आजकल जो एकेडमी एग्जाम 10th का एग्जाम खत्म होता है और कुकुरमुत्ते की तरह बिहार और झारखंड में आते हैं, यहां से बच्चों को बटोरकर कोटा लेके चले जाते हैं। कोटा फैक्ट्री बिहार और झारखंड के बच्चों से बनी हुई है। बिहार के बच्चे यहाँ का पैसा लेकर कोटा में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका रिटर्न किस तरीके से और ज्यादा और बेहतर हो सकता है? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है। वो एक नाम सुने, पहले कभी कुछ काम किया था, पास्ट में कुछ काम किया था, प्रेजेंट में उसका क्या पोजीशन है उसको एनालाइज नहीं करते, ना ही लोगों के पास इतना फुर्सत है और ना ही जानने की इच्छा रखते हैं। तो अवेयरनेस के कमी होने की वजह से ये भेड़ चाल जो है कि एक तरफ जिधर चला सारे बच्चे चले गए, वो रिजल्ट को एनालाइज नहीं करते। जैसे आपने जैसा कहा कि सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय से 5000 बच्चे साल में जाते हैं आराम से, बिल्कुल। और उस 5000 बच्चे में कितने बच्चे सक्सेसफुल हैं, आपके पास कितना रिजल्ट है? एक भी रिजल्ट हो गया तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि चलो उसका हो गया। 5000 में से आपके पास 50 रिजल्ट भी नहीं है। तो इसको एनालाइज करना चाहिए लोगों को कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो जा रहा है तो हम अपने बेटों को ही वहीं भेज दें। पहले तो ये आपको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जिस कंपटीशन के लिए भेज रहे हैं उनके अंदर वो फैकल्टी है या नहीं है। अगर हमारे अंदर आर्ट्स का फैकल्टी है, मैं हिस्ट्री का अच्छा स्टूडेंट हो सकता हूँ, आप नीलेश जी साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो हमारे पिताजी ने कहा कि चलो भाई नीलेश साइंस पढ़ रहा था तू भी साइंस पढ़ ले, है ना। हमारे गार्जियन ने यह जानने की इच्छा जाए कोशिश नहीं की कि मेरे अंदर कौन सा फैकल्टी है और हमें उधर ठेल दिया गया और हम भी चलो दोस्त जा रहा था हम भी चल पड़े। तो हम लोग अज्ञानता के शिकार हैं, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर अभी भी लोग चेते नहीं, अगर भी लोग अभी स्टेप नहीं लिए तो होते रहेगा। सर मैंने जो पूछा कि इकोनॉमिक कंडीशन जो बिहार का एक बहुत ज्यादा पैसा उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन उसका रिटर्न और ज्यादा बेहतर किस तरीके से हो तभी मैं कह रहा हूं कि जो आप जिस जगह पे बच्चे को भेज रहे हैं, जो आपने नाम लिया कोटा फैक्ट्री का, बिल्कुल, तो कोटा फैक्ट्री में कितना रिजल्ट है? तो आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश करनी चाहिए जहां पर रिजल्ट हो। कोटा में क्या है, एक बैच में 300 बच्चे पढ़ाते हैं, 250-400 बच्चे पढ़ाते हैं। तो 250 बच्चे 300 बच्चे में जो पढ़ाने वाला टीचर है, तो टीचर को स्टूडेंट का नाम नहीं पता होता है, बच्चा सीखा या नहीं सीखा उसको पता ही नहीं चलता है। वो सिर्फ आता है डिलीवरी दे देता है बोर्ड पे, बच्चा कॉपी नोट किया नहीं किया, घर चला गया, उसको लगा हाँ पढ़कर आ गए।
तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे और टीचर के बीच एक गैप बढ़ा हुआ है, गैप बना हुआ है, उस गैप को पाटने की जरूरत है। इसके लिए आपको मैक्सिमम एक बैच में 25 से 30 बच्चा रखना चाहिए। अगर आप 25 से 30 बच्चे रखते हैं तो आपका रिजल्ट इम्प्रूव करेगा, टीचर स्टूडेंट के बीच एक अच्छा रिलेशन बनेगा, टीचर को पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमी है, वहाँ पे हमें कहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, बच्चा अपना चूँकि टीचर के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है तो अपना कुछ भी सवाल पूछ सकता है, तो एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ेगा यहाँ पे, बच्चे का रिजल्ट बढ़ेगा यहाँ पे। तो आपका जो पैसा बर्बाद हो रहा है जो कि आप भेज रहे हैं 5000 आ रहा है 50, तो कम से कम 5000 में 2000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो आपका जो मनी का वेस्टेज हो वो वेस्टेज रुकेगा। तो वेस्टेज को रोकने के लिए आपको क्वालिटी एजुकेशन पे मीन्स जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो चीज आपको मिलना चाहिए, आपको वो चीज तो मिल ही नहीं रहा ना, आप गए अच्छा एजुकेशन के लिए लेकिन आपको तो मिला नहीं, तो इसको इस तरह से आप रोक सकते हैं। और हमने यही किया है, हमने इसको रोकने के लिए हम 25-25 बच्चे का दो बैच बना रहे हैं बिहार और झारखंड के बच्चे को ले जा करके, और उस 25 में से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 80% रिजल्ट हो, मिनिमम 80% रिजल्ट हो, सो देट पेरेंट्स को लगे कि नहीं 50 में से अगर 40 बच्चे निकाल सकते हैं तो 5000 में रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए और कम से कम 3-4 रिजल्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि इस बच्चे में साइंस का फैकल्टी है या नहीं, मैथ्स का फैकल्टी है या नहीं, बायो का फैकल्टी है या नहीं। अगर एक बच्चा जो कि ह्यूमैनिटी में अच्छा कर सकता है आप उसको अगर मैथ्स दिलवाएंगे तो कहाँ से पढ़ेगा वो मजा ही नहीं लेगा, जब सब्जेक्ट में उसको मजा नहीं आ रहा तो पढ़ेगा क्यों, आप क्यों खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई वॉलीबॉल खेलता है, क्यों उसको मजा आता तभी खेलते हैं ना। तो यहाँ पे बात आती है कि जब बच्चे के अंदर वो फैकल्टी नहीं है तो क्यों बेच रहे हैं, 17 लाख बच्चे बैठते हैं और सीट कितना, यानी उन्हें पता ही नहीं है, बाद में बच्चे निराश होते हैं, बाद में कोई कंपटीशन देने लायक नहीं बचते हैं क्योंकि उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाता है, एक डर पैदा हो जाता है कि भाई मैंने IIT दिया था या मैंने मेडिकल दिया था मेरा नहीं हुआ था, हम कोई भी कॉम्पिटिशन देंगे तो मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, जबकि गलत है, ये गलत है। उस बच्चे को अगर सही तरीके से गाइड किया जाता है, सही तरीके से टीच किया जाता है तो एक साधारण बच्चा भी आराम से कंपटीशन निकाल सकता है, क्योंकि कंपटीशन निकालने की ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट टीचर को ही पता नहीं कि पढ़ाना क्या और कैसे पढ़ाना। तो आपको क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आपको पता करना है कि ये इंस्टीट्यूट सचमुच में सही है या नहीं है, पेरेंट्स थोड़ा सा कष्ट करें, अगर मान लें किसी एरिया से जाते हैं तो कम से कम उस एरिया के कोई एक प्रतिनिधि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाएं क्लास में बैठे, ये नहीं सुन करके कि भाई यहां अच्छी पढ़ाई हुई थी, अरे कभी हुई थी, अरे आज क्या है, आज में अगर नहीं रहिएगा तो गए ना, प्रेजेंट पे रहना सीखिए ना। तो मान लीजिए बेगूसराय पढ़े लिखे की धरती है, मान लीजिए दिल्ली या कोटा में बेगूसराय बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, IAS IPS हो गए, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाएं उस इंस्टीट्यूट में, आधा घंटा टाइम निकालकर क्लास में बैठे कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं, मैं देखना चाहता हूं सर, मुझे खुशी होती है, मैं तो क्लास में बिठाता हूं। बहुत सारे सेक्रेटरी के बच्चे, बहुत सारे IAS के बच्चे, बहुत सारे डिफेंस में ब्रिगेडियर हैं, कर्नल के बच्चे बैठते हैं हमारे कहां पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि सर पहले आप अभी बैठिए ना क्लास में, हाँ बैठिए ना, आप इंजॉय, आपको मजा नहीं आएगा तब ना, आप रिक्शा चलाते हैं आपको भी मजा आएगा, अभी बैठिए ना, चूंकि पढ़ाई तो एंजॉय करने का चीज है, ठीक है मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, आप फिजिक्स तो समझ ही सकते हैं कुछ ना कुछ, बायोलॉजी कुछ ना कुछ तो समझ ही सकते हैं, तो आप उसका टीचिंग स्टाइल को देखें कितने बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं, तो आप उस इलाके के अपने इलाके को लोगों को मैसेज दें कि नहीं भाई ये ठीक है। तो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जाकर के तो देखें क्या यहाँ के बच्चे 300 बच्चे के भीड़ में तो नहीं खो गए। तो हम जैसे जो लोग हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही नहीं रहे, उसका बच्चा गया हमको क्या मतलब है। बाद में कभी कभी हम बिहार और झारखंड की बात करते हैं, पूरे बिहार की बात करते हैं और हमारे घर के बगल के बच्चे खराब हो रहे हैं तो हम यहाँ पे चुप हो जाते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं बट प्रैक्टिकल में धरातल पर कुछ है ही नहीं।
तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं यहां के लोगों से कि आप जाइए, आप क्लास में बैठिए, आप खुद आईआईटी निकाले हैं, आप खुद आईएएस हैं, या खुद अच्छे पोस्ट पे हैं, या नहीं ठीक आप हिस्ट्री के ही स्टूडेंट हैं, लेकिन इतना तो समझ सकते हैं कि टीचिंग स्टाइल क्या है, क्या बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, क्या उन्हें चीजें मिल रही हैं, बच्चे का ठीक से केयर हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं तो इनवाइट करता हूं कि आइए आप मेरे यहां, आप एक दिन नहीं कभी भी आइए, कभी भी किसी क्लास में बैठ जाइए, क्वालिटी चेक करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? और इंस्टीट्यूट वाला नहीं दे रहा है इसका मतलब है गलत है वो, कहीं ना कहीं देना चाहिए इंस्टीट्यूट वाला को। किसी भी क्लास में गए पेरेंट्स घुस गए कि भाई हम इस क्षेत्र के हैं, हमारे बच्चे यहां पढ़ते हैं, तो करना चाहिए। मैं तो इनवाइट करता हूं, खुलेआम मैं कर रहा हूं कि आइए आप हमारे यहां एक्सआईटी एकेडमी दिल्ली में, तो क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगा। जो चोर बाजारी है, सुनने में आता है दो तरह का बैच बनाते हैं, रैंकर और बैंकर। रैंकर से लोग रैंक लेते हैं और बैंकर से पैसा लेते हैं। 10-10 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 हजार बच्चे में 100 बच्चा 50 बच्चा अलग कर लिया उसको पढ़ाता है, और जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल टीचर उसको दे देता है। बच्चे को क्या पता कि क्या दे रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किस डेप्थ तक जाना है, बच्चा को क्या पता। 10th पास करके गया है, मासूम बच्चा है, कोमल दिमाग है, इमोशनल होता है, और खासकर बिहार का बच्चा तो टीचर के प्रति दीवाना होता है, जो थोड़ा सा प्यार से बोल दिया बस उसी का हो गया। तो इस सब की वजह से, हमारे केयरलेसनेस की वजह से, किसी चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से हमारा बिहार पिछड़ रहा है, हमारा बेगूसराय पिछड़ रहा है, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है हमारा भविष्य बर्बाद हो, भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो इसको तो रोकना पड़ेगा। सर, आजकल का भविष्य इतना खराब होता चला गया है कि कोटा फैक्ट्री अब सुसाइडल फैक्ट्री बनकर बाहर आ गई है। जो कोटा फैक्ट्री को हम 10 साल पहले 20 साल पहले सुन रहे थे, वो अब वो सुसाइडल फैक्ट्री है। बच्चे आते हैं सुसाइड कर लेते हैं, कोटा में सुसाइड करते रहते हैं, तो इसको किस तरह से दूर किया जाए? देखिए सर, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि फर्स्ट जो भी टीचर्स हों, जो भी टीचर हैं, जो भी सिस्टम रन कर रहे हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी तो सबको जानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन के जवाब में, मैंने बोला था आपको कि 300-300 बच्चे 400-400 बच्चे का भीड़ बना में पढ़ाते हैं। पटना में इंस्टीट्यूट है बहुत सारा है कि 1000-1000 बच्चे को पढ़ाते हैं एक बैच में, खटाल में पढ़ाते हैं और दिखाते भी हैं कि इतने बच्चे को पढ़ा, इतने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब बात आती है कि गलती उस बच्चों की नहीं, बच्चे की नहीं है, बच्चा तो छोटा है, मासूम है, उसको क्या आइडिया कि हमको क्या मिल रहा है। अब सोचने वाली बात है कि आगे गड्ढा है, बच्चे का झुंड जा रहा है, देखा जाए बच्चा जा रहा है तो भी बच्चा चला जाएगा, गड्ढा में गिर जाएगा। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रोकना, एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको सही मार्गदर्शन करना, सही चीज देना। तो हम भी क्या करते हैं, हम टीचर नहीं होकर बिजनेसमैन बन जाते हैं। 300 के ग्रुप में अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाता है। बच्चे के अंदर बच्चा किस इमोशनल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेज आते हैं, और वो बच्चा उसको उस चेंज को मैनेज नहीं कर पाते, अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते। कभी टेस्ट में नंबर कम आ गया तो बच्चे घबरा जाते हैं, है ना। जबकि अगर छोटा ग्रुप है और टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन अच्छा खासा है, बच्चे का नंबर कम आया तो उसकी काउंसलिंग हो रही है कि भाई आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट क्यों दिया, नंबर लाने के लिए या कुछ और चेक करने के लिए? सपोज आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास आया, आपने पर्चा लिखा, मैं गया चेक करवाया, चेक करवाने के बाद मैंने आपको दिया, आपने फाइंड आउट किया अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मुझे खुश होना चाहिए कि चलो पहले पता चल गया कि बीमारी है, उसको मैं ठीक कर लूंगा। अगर वो सीरियस बीमारी होता तो लास्ट स्टेज पे तो हम गए थे काम से। तो बच्चा अगर कम नंबर ला रहा है किसी टेस्ट में, तो उसको ये देख करके खुश होना चाहिए, चलो पहले पता चल गया कि हमारा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये वीकनेस है और हम इसको ठीक करेंगे। अब बच्चा क्या होता है, जो बच्चे का जो साइकोलॉजी है, देखेगा उसका बड़े उसका तो अच्छा नंबर आ गया, मेरा नंबर कम आ गया, भाई वो बच्चा पहले चलना शुरू कर दिया, आप देर से चलना शुरू किए, या वो कंटिन्यूसली चलते रहा, आप रुक रुक के चल रहे हो,
तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उतना तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा ना, जितनी पढ़ाई करनी है उतनी तो करनी पड़ेगी ना आपको। इससे ये पता चलता है कि आपको अभी और पढ़ने की जरूरत है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि मेरा नंबर कम आया। आपको खुश होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे और मेहनत की जरूरत है, तब हम जाकर के वहां तक पहुंच पाएंगे। बच्चा ये नहीं सोच पाता है, टीचर से इंटरेक्शन है नहीं, टीचर इसको समझा नहीं पाता है बेटा इसको अदरवाइज मत लो, बच्चे के अंदर निगेटिविटी क्रिएट होता है ना, बच्चा डिमोटिवेट होता है और क्या होता है बच्चा साइकोलॉजिकली इफेक्टेड होता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो गलत रास्ते अख्तियार कर लेता है। गलत रास्ता में आपके पास कभी कोई सिगरेट शराब का नशा कर लेता है, कभी गलत चक्कर में पड़ लगता है कि अब नहीं होगा तो छोड़ो और मस्ती ही कर लेते हैं, गिव अप कर देता है। कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जिनमें पेरेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि अरे चाचा जी सुनेंगे इसका नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, मामा जी सोचेंगे जानेंगे तो क्या होगा, मेरे दोस्त की मम्मी सोचेगी तो क्या होगा। अब बच्चे के अंदर वो प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, लास्ट में सोचता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, जो कि कमजोर मानसिकता का बच्चा होता है, बहुत इमोशनल होता है, वो गलत रास्ता सुसाइड कर लेता है बच्चा। अगर यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच अगर कम, स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट का रेशियो अगर कम है तो क्या है, अगर मान लीजिए 25 बच्चे पे एक टीचर है, 20 बच्चा पे एक टीचर है, बातें होती हैं टीचर के साथ, उसकी काउंसलिंग की जाती है बार बार, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हर एक तरह का प्रॉब्लम, सिर्फ आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दें वो नहीं है, उसका पर्सनल प्रॉब्लम क्या, क्योंकि आप ही अपना बचपन याद कीजिए ना, अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो आप अपने एक टीचर के अंदर अपना बाप भी ढूंढते होंगे, अपनी माँ भी ढूंढते होंगे, अपने एक अच्छा दोस्त भी ढूंढते होंगे, है ना, सब कुछ एक टीचर के अंदर बहुत सारा पर्सनालिटी है ना, है ना, एक टीचर के अंदर बाप भी होता है, एक माँ भी होती है, एक भाई भी होता है, एक दोस्त भी होता है। तो आप दोस्त बनिए, क्लास में टीचर बनिए, है ना, कुछ बदमाशी की बाप बनकर दो थप्पड़ दे भी दीजिए, माँ बनकर थोड़ा प्यार भी कर लीजिए, तो ये होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता सर। इस वजह से, यही इस वजह से, इस की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। हाँ सर, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है इस भेड़ चाल में, बच्चे एक तरफ जा रहे हैं और सबसे दिक्कत होता है उस मीडियोकर स्टूडेंट का जो आगे बढ़ सकता था। हाँ। कितना प्रभाव पड़ता है उस मीडियोकर स्टूडेंट पे? ऐसा प्रभाव पड़ता है कि लाइफ खराब हो जाती है बच्चे की, आगे कुछ दूसरा कंपटीशन देने से डरता है, देता ही नहीं है, वही सब बच्चे तो गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, या नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मतलब कर नहीं पाते कुछ लाइफ में, तो उनकी लाइफ तो हेल हो जाती है एक तरह से। जबकि उस बच्चे को सही तरीके से अगर गाइड किया जाए, उसका जो इंटरेस्ट है, जिसे देखिए कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए, जैसे आप जेई मेन्स की ही बात करते हैं, जेई मेन्स में कितना परसेंट सिलेक्शन होता है, अगर एक बच्चा 50% भी ले आए तभी उसका सिलेक्शन हो जाता है, एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है उसको। आप 100% कोर्स करा देते हो फिर भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? इसका मतलब क्या, आपने डिलीवरी दे दिया, बच्चा सीखा या नहीं सीखा आपको पता ही नहीं है, है ना। तो अगर उस बच्चे को सही तरीके से उसके इंटरेस्ट का टॉपिक आइडेंटिफाई करके हम 65% भी कोर्स उसको अच्छे से सिखा दें तो सिलेक्ट हो जाएगा बच्चा, क्योंकि हर एक बच्चा एक यूनिक बच्चा। आपको हो सकता है फिजिक्स में, मैकेनिक्स में मजा नहीं आता हो सकता है आपको मॉडर्न फिजिक्स में मजा आता हो सकता है आपको लाइट में मजा आता हो सकता है आपको इलेक्ट्रोस्टैट में मजा नहीं आता, आपको करंट में मजा आता हो, तो कुछ तो आपका मजा वाला चीज होगा, आपका इंटरेस्ट का एरिया होगा, क्यों ना हम उसको आइडेंटिफाई कर ले और उसके बाद फिर आपको वही चीज पढ़ाएं जिसमें मजे लेते हैं। अब जब मजे लेकर पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर मजे वाला चीज उसको 50% भी करा दिए और 10% 15% एक्स्ट्रा जिसमें मजा नहीं आता वो भी थोड़ा बहुत बच्चा कर ले तभी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप तो ये करेंगे नहीं, चूंकि आपको तो पता ही नहीं, आप तो बहुत बड़े बैच में पढ़ाते हैं। और बच्चा भी, एक बच्चा से हमारी बात हो रही थी, बोला कि हम 300 के बैच में क्यों नहीं पढ़ेंगे जो 25 के बैच में पढ़ेंगे, वो तो देखिए एक कितना मासूम बच्चा है, 11-12 का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, उसको ये पता नहीं है कि 300 बैच में पढ़ने से क्या फायदा है और इसके बैच में पढ़ने से क्या फायदा है। तो और यही यही तो मेंटेलिटी खराब कर रखा है ना उसके दिमाग में, ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों ने। सर सबसे जरूरी हो जाता है, कोई भी बच्चा होता है उसका टेस्ट एनालिसिस सबसे जरूरी पार्ट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। सभी इंस्टीट्यूट टेस्ट लेते हैं,
लेकिन एक्स आईआईटी एकेडमी कितना डिफरेंस रखता है उस टेस्ट में? देखिए पहले ये बताइए आप कि टेस्ट आप क्यों देते हैं, है ना। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि आपको कोई अगर बीमार पड़े तो डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर लिखता है टेस्ट, लिखता है कि ये टेस्ट करवा कराओ, फिर वो करके देता है, एनालिसिस करके देखता है, फिर डॉक्टर देखता है। तो एनालिसिस तो ज़रूरी है, बिल्कुल बीमारी फाइंड आउट करता है, फिर फाइंड आउट करने के बाद उसका दवा देता है, फिर पेशेंट को वो दवा खिलाया जाता है। कभी कभी पेशेंट खुद नहीं खाता है तो उसको केयर करने वाला होता है, नर्स बिल्कुल रखा जाता है या डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर रखा जाता है, इसको दवा इस टाइम पे दो। कि अगर टेस्ट बच्चा दिया है तो उसका एनालिसिस इज मस्ट। कि अगर सपोज 75 क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर है, तो बच्चा 75 क्वेश्चन, हो सकता है 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है उसको साइड कीजिए। 60 क्वेश्चन में से हो सकता है उसका मात्र 50 क्वेश्चन सही हो, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। तो अब 10 क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो बच्चा अटेम्प्ट लिया है ना। अटेम्प्ट क्यों लिया, उसको आता आता था तुमने। तो अगर हम वो जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लें और उसको फिर धीरे धीरे मिनिमाइज करें मिस्टेक को, तब तो हमारा बढ़ सकता है। चूंकि इससे बच्चे कॉन्फिडेंस आएगा, मैं 10 क्वेश्चन और कर सकता था, मुझे आता था, मैं बस सिली मिस्टेक क्या, तो 2+2=3 है ना, जो कि सबसे बिगेस्ट लूप होल है बच्चे का, कैलकुलेशन एरर करना, है ना, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। या हो सकता है बैड हैबिट उसके अंदर, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लिए, है ना, कुछ मिसकॉन्सेप्शन से क्वेश्चन को कर देना, बिल्कुल या डेटा गलत पुट कर दिए, या आंसर आया बी मार दिए डी, है ना, बहुत तरह का मिस्टेक है। इस तरह से मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बच्चों को आप गाइड करें कि बेटा आप इस तरह की मिस्टेक करते हो, या हम 1 वीक में एक मिस्टेक सुधारेंगे, धीरे धीरे उसका मिस्टेक सुधारता चला जाएगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही सारी बातें चलेंगी और फिर वो मिस्टेक करना छोड़ेगा। क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक से पता नहीं चलता कि मिस्टेक बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं इंटेलिजेंट है। एक से एक इंटेलिजेंट बच्चा भी बहुत बहुत सारा कैलकुलेशन मिस्टेक करता है ना। तो उसको तो मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसको बताएं एनालिसिस के बाद। नाउ दूसरी बात, अब इसे देखिए कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों को, नहीं मुझे 10 क्वेश्चन आता था, सबसे बड़ी चीज है, जी चीज है कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बच्चे का कि ये जो एरर हुआ, जो गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं किया। क्योंकि तो देखिए बच्चे के अनसक्सेस का बहुत बड़ा रीजन नहीं होता, बहुत छोटी छोटी गलतियां उसको डुबो देती है। जैसे आप यहां बैठे हुए हैं, आपको चींटी काट करके चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, काटने के बाद ढूंढते रहिएगा कहाँ गया, कौन काटा। शेर आपको नहीं खा सकता, क्यों, क्योंकि दूर से दिख जाएगा, भाग जाएगा, है ना। तो आप बहुत बड़ा बड़ा मिस्टेक नहीं कर सकते, आप छोटा छोटा मिस्टेक करेंगे वही आपको डुबाएगा। तो वही छोटी छोटी गलतियां एनालिसिस से पता चलता है। नाउ हमने कहा था 60 क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन गलत किया, उसको एनालाइज करके ठीक कर सकते हैं। अब जो बचा 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपका क्यों नहीं हुआ, टाइम की कमी थी, या आपको नहीं आता था, या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप नहीं पढ़े थे तो आप उसको पढ़ लेंगे, पता चला कि पढ़ना क्या है, ये भी पता चल गया आपको। दूसरा, आप रिवाइज करेंगे तो रिवाइज क्या करेंगे, आपको क्या पता कि आपको याद है कि भूल गए, क्या भूले, आप एक पेज पलटाओगे, आपके पास नोट्स है टीचर्स का, तो पढ़ोगे तो सब कुछ पढ़ोगे, अगर अच्छा हाँ ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, है ना, नज़र फिसलता, आपका नज़र फिसलते हुए चला जाएगा, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या याद है क्या भूल गए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेस्ट तरीका, अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करो टेस्ट के थ्रू, तो एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा कि मेरा ये वीकनेस है। तो अब आप उस चैप्टर का वही चीज पढ़ोगे जो आपको नहीं आता, नहीं। या आप भूल गए, या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। आदमी भूलता नहीं है, उसका रिकॉलिंग कैपेसिटी उसका डाउन हो गया, उसको इंप्रूव किया जा सकता है ना प्रैक्टिस के थ्रू, तो उस पर काम करने की जरूरत है। तो एनालिसिस इज अ मस्ट। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और बच्चों को कम मेहनत करना पड़ता है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके बैच में कम बच्चे हैं। आप 300 बच्चे हैं एक बैच में, आप 12 बैच को पढ़ा रहे हो, 3600 बच्चे, क्या एनालिसिस करेंगे आप, ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बच्चा है हमारा कौन बच्चा नहीं है, है ना। तो बात होगी कि बहुत बड़े समुद्र में मछली पकड़ने वाली बात, 10 मछली समुद्र में छोड़ दो, ढूंढ रहा है बच्चा, अरे 10 मछली को छोटे से गमले में डर दो ना,
पकड़ लो ना बच्चा, वो पकड़ ढूंढ लेगा बच्चा, तो वही वाली बात हो गई कि उसकी कमी को आइडेंटिफाई करना और उसको बताना, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस उसको इसी के थ्रू आप गाइड भी कर सकते हैं ना, कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आप रिकॉलिंग कैपेसिटी कैसे डेवलप करें, है ना। चूंकि टाइम कम है, अभी ही है, एग्जाम आने वाला है, एक महीना बचा हुआ है ना। अब उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, पढ़ा कर छोड़ दिया, अगर बैठे हो बच्चे, पेरेंट्स को क्या पता कैसे पढ़ाना कैसे नहीं पढ़ाना है, बच्चा परेशान है, टेस्ट दे रहा है, नंबर कमा रहा, डिमोटिवेट हो गया, डिप्रेशन में चला गया, पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है। आप तो बच्चे की सुसाइड की बात करें, मैं पूरे फैमिली सुसाइडल केस की बात कर रहा हूँ, उसको भी रोकने की जरूरत है। हाँ, जो सब चीज़ गरीब का घर खेत बेच के दे रहा है, घर बेच के दे रहा है, और एक बाप सोचता है, एक बाप सोचता है कि चलो भाई 5 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा इसके से मैं उसको बेच करके पढ़ा देते हैं, और बेचारा मजदूरी करता है वो, है ना। और बेटा गया वहां खड़ा होकर के, वो भी आ गया, वो तो मरा ही मरा, पूरा खानदान मर गया। अरे मर कर, मरने का मतलब थोड़े कि शरीर खाली खत्म कर देना, अरे इमोशनली भी मर गया ना, उसके भावनाएं मर गई ना, उसका विश्वास मर गया ना, कि ये कहकर के ले गया था कि हमारे बच्चे का हो जाएगा, नहीं हुआ, भरोसा मर गया, सब कुछ मरा। फिर मौत तो मौत है, किस तरह का मौत है अलग बात है। सर अभी जो 10th बच्चा पास किया है और कुछ दिन पहले एग्जाम खत्म हुआ, बच्चा आगे के अपने सोर्स को ढूंढेगा कि उसको जाना कहाँ है, किस तरफ वो मूव करेगा। तो XIIT एकेडमी जो दिल्ली में है, द्वारिका में है, वो किस तरीके से उस बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देगी, मतलब वहां जाने के लिए? बिल्कुल, वहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए या जो भी अभी 10th के बाद क्या फैसला ले वो बच्चा, देखिए तो एक सही मार्गदर्शन। हाँ, क्या मैं बताता हूँ। पहली चीज तो कि यह एक ट्रैप है, आप दूसरे को देख करके उस ट्रैप में ना फंसे। रीजन है कि जैसे ऐसे समझिए आप कि हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जंगल में गड्ढा खोद देते हैं, ऊपर से घास फूस रख देते हैं, उस घास फूस से छोटा छोटा जानवर गुजर जाता है ना, जो गुजरने लायक है, वो रास्ता जिसके लायक बना है, और हाथी के लिए लायक नहीं, हाथी का वजन नहीं है ना उठा सकता है, वो क्या करेगा, गिर जाएगा उसमें। तो पहले देखो उस रास्ते से गुजरने लायक हम हैं या नहीं है, जो मंजिल है उस मंजिल के लिए जो रास्ता है उसके लायक मैं हूं या नहीं, ये मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता है ना। बिल्कुल, आपको नदी से उस पार जाना है तो बोट भी है, तैर कर भी जा सकते हैं, है ना, और फ्लाईओवर भी बना हुआ है, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है आपको क्या आता है, क्या स्विमिंग आती है, नहीं आती है ना। अगर नहीं आती है, मुझे मान लीजिए स्विमिंग आता है, आती है मुझे स्विमिंग, और मैं स्विमिंग करने चला चल पड़ा, और आप हमको देख करके, अरे ये स्विमिंग करके जा रहा था, हम भी चलेंगे, और आपको स्विमिंग आती नहीं, क्या करो, डूबोगे ना। तो दूसरे को देख करके कि उस फलनमा का बेटा IIT निकाल लिया था, हमारा बेटा भी निकाल लेगा, ये गलत है। सबसे बेस्ट तरीका हम लोग क्या करते हैं, हम एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि पता कम से, देखिए 100% तो प्रूफ नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव एक अंदाजा आ जाता है कि इस बच्चे में वो फैकल्टी है या नहीं है, है ना। अगर हमें पहले पता चल जाए, जैसे मैंने एक टेस्ट लिया, एक किसान का बच्चा, और अभी जस्ट 1 घंटे की पहले की बात है, तो वो बच्चा टेस्ट दिया, मैंने देख लिया उस बच्चे का IQ भी थोड़ा सा डाउन था, हालांकि उसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसके अंदर साइंस की फैकल्टी नहीं थी, मैथमेटिकल जो थॉट है उस तरह की फैकल्टी नहीं थी। हमने साफ मना कर दिया कि इस बच्चे को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके फादर एक किसान हैं, वो किसी तरह से बहुत मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे पे पैसा लगाएंगे, है ना। तो अगर आप टेस्ट के थ्रू एनालाइज करके अगर पेरेंट्स को बता दें ऑनेस्टली कि सर मैं इस बच्चे को यहां तक ले जा सकता हूं, क्योंकि आप इतने साल से, जैसे मैं 20-22 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इतना अनुभव हो जाता है कि मैं इसको कहां तक ले जा सकता हूं। सारे टीचर को, सारे सिस्टम को पता होता है, तभी तो रैंकर और बैंकर बनाता है जी। तो इतना पता चल जाता है, हाँ कहीं कहीं गलतियां हो सकती है, लेकिन 80-90% तो सही कर सकते हैं आपने। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100% आप वो करो, लेकिन इतना तो जरूर करो, इतना तो ऑनेस्ट जरूर बनो कि भाई अगर लगता है कि इस बच्चे को मैं नहीं खींच पाऊंगा तो आप छोड़ दो उसको, आप
जिस लायक है वो बता दो कि सर यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये बच्चा इसमें अच्छा कर सकता है, वैसे आप एक और कुछ पता कर लें, बच्चे को चेक कर लें, बच्चा का इंटरेस्ट देख लें। बट दूसरे को देख करके वही भेड़िया और हाथी वाली बात की गड्ढा में गिर रह जाए आप, है ना। तो इसको आप चेक करके उसको एनालिसिस कर करके फिर अगर बच्चे को लिया जाए तो हमें लगता है कि रिजल्ट इम्प्रूव हो सकता है और बच्चे का जो भविष्य है सिक्योर हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है ना। क्या बच्चा 12th करने के बाद फिर 2 साल ड्रॉप कर रहा है, 4 साल खराब हो गया, उससे बढ़िया सिंपल 12th करेगा और ग्रेजुएशन करके बहुत सारा फील्ड है ना। दिस इज नॉट द अल्टीमेट ऑफ समवन्स लाइफ ना, है ना। यही एक रास्ता नहीं है ना कि आप डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर बनो, बहुत कुछ है। आप एक अच्छा हिस्टोरियन बन सकते हो, आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो, आप एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, है ना, बहुत कुछ कर सकते हो आप, है ना। आप क्रिकेटर बन सकते हो, बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हो। तो अपने अंदर के फैकल्टी को देखो ना। एक्चुअली हम जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना, हम डरपोक और गरीब पेरेंट्स हैं। गरीबी सिर्फ पैसे की गरीबी नहीं है, गरीबी सोच की भी गरीबी है। हम गरीब का मतलब यहाँ पे कि हम बच्चे को फैसिलिटी नहीं दे पाते, हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि हम बच्चे को देखें कि मेरा बच्चा किस में एक्सेल अच्छा कर सकता है। एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, एक अच्छा फुटबॉलर बन सकता है, एक अच्छा साइंस का स्टूडेंट बन सकता है, एक अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है, वो फैसिलिटी नहीं दे सकते हम, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। तो हम दूसरे को देख करके एक लाइन में भेज देते हैं बच्चे को। डरपोक इसलिए कि सबसे आसान एजुकेशन है, दूसरे फील्ड में भेजने से डरते हैं कि उसमें होगा कि नहीं होगा। चलो एजुकेशन पढ़ ही लो, जरूरी है पढ़ लेना, और पढ़ लेना तो उसे चॉइस का चीज दिलवाई है। तो हमारे पास ना ही नजर है और ना ही कलेजा है, अंधे भी हैं और डरपोक भी है। तो हमें इसी से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ के समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें ये चीज करना चाहिए। ठीक है, मेरा बाप किसान था, मेरा बाप मेरी माँ अनपढ़ है, अगर मैं पढ़ लिख लिया मैं अपने भाइयों को बहनों को आस पड़ोस के लोगों को तो कर सकता हूँ ना, उनको तो सपोर्ट कर सकता हूँ, उनके अंदर तो एवरेंस डेवलप कर सकता हूँ ना। सर आजकल जो एक बड़ा मामला बिहार और झारखंड में चलता है कि स्कॉलरशिप का अमाउंट हम बड़ा अमाउंट एडमिशन का अमाउंट बढ़ा लिए और उसको स्कॉलरशिप दे दिए कि भैया 3 लाख का स्कॉलरशिप मिला और असली में रियल अमाउंट 2 लाख ही उसका था। तो 5 लाख का अमाउंट दिखाया गया कि 5 लाख का इंस्टीट्यूट है हमारा और 3 लाख उसका स्कॉलरशिप दे दिया गया। तो ये स्कॉलरशिप बच्चे को कितना फायदा देता है, सच में कितना फायदा देता है, और क्या कोई बच्चा अपने मेहनत के बदौलत बाद में स्कॉलरशिप ले सकता है किसी इंस्टीट्यूट में जाकर? अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने ट्रैप की बात करी है ना, ये एक ट्रैप है, दिस इज ए ट्रैप। कि बच्चे को लगता है कि अरे, या पेरेंट्स को लगता है कि अरे मेरा बेटा तो इंटेलिजेंट है ना। मैंने मना कर रहा हूँ कि इंटेलिजेंट नहीं है, बट उसकी इंटेलिजेंस इस फील्ड के लिए है या नहीं है, है ना। वो क्या करता है, ट्रैप बिछाता है, कहता है कि ये भाई 5 लाख का चीज़ है, मैं आपको 2 लाख में 3 लाख का बच्चे को स्कॉलरशिप मिला। भाई बेसिस क्या, आपने जो टेस्ट लिया उसको एनालिसिस तो भेजो, आप टेस्ट पेपर तो दिखाओ, टेस्ट पेपर का लेबल तो दिखाओ, ऑल इंडिया में जितना भी टेस्ट लिया उसे उसका रैंक तो दिखाओ, सारा कुछ कंपेयर तो करने दो, और जो बच्चा रैंकर है उसका तो आउट करो, कौन रैंकर है, रैंक कौन पुत्री कौन सा है ना। तो वो क्या करता है लुभाने के लिए, जैसे आपने होता है कि सेल जब लगता है तो मान लीजिए कि है सेल, सेल में क्या है 200 का चीज है तो उसका दाम उस पर 400 का चिप्पी लगा देगा, बोला कि 200 50% ऑफ, एक के साथ एक फ्री, है ना। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक ट्रैप, और हमारे जो भाई यहाँ के वो उसमें फंस जाते हैं। उनको लगता है कि इतना स्कॉलरशिप दिया है, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, फर्स्ट तो ये प्रूव कर दिया कि आपका बेटा इंटेलिजेंट है, मैंने मना नहीं कर रहा इंटेलिजेंट नहीं है। दूसरा चीज कि भाई सस्ता है, इतना का चीज हमको इतना ही मिला है, आप तो ले ही लेंगे, है ना। उस ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पता चला बाद में कोई रिजल्ट नहीं हुआ, चूंकि बच्चा उस लायक था ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए ना, तो ले लिया। आप भिखारी को देखे ना पैसा मांगते हुए कटोरा में, पहले 10-20-50 रुपया रख देगा और उसे पटकेगा, है ना, आवाज आती है, लोग देखो लोग पैसे दे रहे हैं तुम भी दो, ये वही है ना एक तरह से। तो बेस्ट क्या है, हमने इसका जो सॉल्यूशन निकाला है कि मैं पहले तो जो एक्चुअल चार्ज मैंने वही रखा है, बिल्कुल है ना,
कि कोई भी बंदा अफोर्ड कर सके। उसके बाद हमने क्या कहा है कि इसमें जो हमारा ये है स्कॉलरशिप है, हम स्कॉलरशिप देंगे 100% स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन उसके लिए वहां जो पढ़ाया जा रहा है आपको है ना, उसमें आप कितना एक्सेल कर रहे हैं इसमें, उसके थ्रू आप एक्सेल लीजिए। जैसे हमने आपको हमने लिखा है इसमें, देखिएगा इसमें है ना, ये देखिए कि ये जो हमारा है इसमें हमने लिखा है कि अगर आपका, हमने दो तीन टेस्ट चार टेस्ट लेते हैं महीने में, तीन माइनर और एक मेजर है ना, और उस टेस्ट में 50% वेटेज है माइनर का और 50% मेजर टेस्ट का वेटेज है। उसके बेसिस पे जो बच्चा उस टेस्ट में पर्टिकुलर मंथ के टेस्ट में 80% या उसे ज्यादा लाया है, तो जो हमारा फी है उसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, दो साल के फी में, या एक साल का फी है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा है ना। फिर जिसका जिस बच्चे का 75-80% है उसको 80% रिजल्ट स्कॉलरशिप है, फिर 65-70% को 40%, इस तरह से हमारा स्लैब बना हुआ 50% तक दिया गया है। तो इसमें क्या है, बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, पेरेंट्स को भी कहेंगे बेटा थोड़ा सा और मेहनत कर ले, इस महीने का पैसा बच जाएगा है ना, आप फ्री पर हो ना, मैं तो कह रहा हूं बट इस तरह से लो ना, मेहनत के बताओ अपने सब दिन आप स्कॉलरशिप लो, दो साल स्कॉलरशिप लो आप, ये लुभाने वाली बात नहीं है, है ना। तो आप यहां पे स्कॉलरशिप लो तो एक 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 ये जस्टिस करता है कि नहीं भाई ये जेन्युइन चीज है, कुछ तो जेन्युइनिटी होना चाहिए, और बच्चे के बीच भी कंपटीशन कंपटीशन बना रहेगा ना, एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा, नहीं मुझे मेहनत करना, मुझे अच्छा लाना है अगले बार, ठीक है। देखिए मनी मैटर नहीं करता बट एक मोटिवेशन मैटर करता है कि चलिए 10 पैसा का ही 10 रुपये का ही प्राइज मिला बट मैंने प्राइज जीता, मैंने एक पेन जीता, चलो भाई ये एक पेन मुझे आज प्राइज में मिला है, ये 2 रुपये का पेन है या 5 रुपये का पेन है, मुझे प्राइज मिला, मैंने प्राइज जीता आज, तो ये मैटर करता है, बच्चे को मोटिवेट करता है। सर XIIT जो द्वारिका दिल्ली में है वो और इंस्टीट्यूट से कितना अलग है और बच्चे क्यों उस इंस्टीट्यूट में आए? देखिए मैं वहां जो चल रहा हमारा चल ही रहा है, मैं इस बार जो आया हूं मैं बिहार से 25-25 का दो बैच लेकर जाऊंगा, 25 बच्चा मेडिकल 25 बच्चा IIT, और उस पर मैं मेहनत करके मैं पेरेंट्स को ये दिखाना चाहता हूं कि एक साधारण बच्चा भी एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है पर छोटे ग्रुप में पढ़ करके। उसके लिए अगर बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो नहीं होगा, छोटा ग्रुप ही बनाना पड़ेगा आपको, और मैं शुरू से यही हमारा शुरू से ही यही है नियम है, बट हम पहले बिहार में नहीं आते थे बट मैंने देखा हमारे घर के बहुत सारे बच्चे, हमारे रिलेशन बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाए, हमारे पास डर से नहीं आते थे कि कहीं थप्पड़ लगेगा, ये है वो है करके सोच करके, चाचा है मामा है इस तरह से सोच करके कि भाई वहाँ नहीं जाएंगे, कमी पता चलता रहेगा पेरेंट्स को, इस वजह से नहीं जाते थे। अब जब वहाँ सब जगह से फैक्ट्री जो आपने नाम दिया है उस फैक्ट्री से जब बनकर पढ़ करके आए फिर वहाँ पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। हाँ बहुत सारे बच्चे मेरी जानकारी में है कि वो लौट के चले आए। हाँ लौट कर चले आए बिल्कुल, तो वो पढ़ रहे तो उन्होंने कहा, प्लस हमारे एक टीचर हैं जो कि बेगूसराय के हैं और वो वहाँ पे हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप बेगूसराय एक बार चलिए, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं और बहुत बच्चे अच्छे बच्चे खराब हो गए हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, वो वहाँ से पढ़ कर आए हैं, पूरा कोर्स ख़त्म हो कर आया है बट उनके पास वो कुछ नहीं है, खाली हैं, वो क्या एग्ज़ाम देंगे, क्या पास करेंगे। तो वही है कि छोटा ग्रुप में हम काम करेंगे, उस पर हम दिन रात लग करके मेहनत करेंगे, मेहनत करके रिजल्ट देंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हम कैसे डिफरेंस है, वो करके हम जब दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सचमुच में डिफरेंस है, और नहीं तो हम डिफरेंट हैं, इसके लिए आप दिल्ली चलिए। और आपने तो एक सुविधा भी मुहैया करा दी कि हमारे इंस्टीट्यूट में बैठ के आप क्लासरूम में बैठ के देखिए। नहीं आप पेरेंट्स हैं तो आइए, आप रहिए, मैं रहने खाने की व्यवस्था कर दूंगा आपको, होटल में ठहरना पड़ेगा आपको, और 5 दिन क्लास में बैठिए, जो भी पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, मैंने कह रहा हूं कि आप साइंस के स्टूडेंट ही हो, आप जो भी हो आप बैठ करके देखिए वहां पे, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, और अन्य जगह भी जाइए आपको क्लास में घुसने नहीं देगा, क्यों नहीं घुसने देता हो भाई, डर किस बात का है, क्या आपका मेथड चुरा लेगा कोई पढ़ने पढ़ाने वाला है ना, तो मेथड तो बच्चा हमारा पढ़ ही रहा, बच्चा बता नहीं देगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं, हम देख नहीं रहे उसको घर में, उसको कैसे गाइड कर रहे हैं, मेरा बच्चा कितना आउटपुट दे रहा है, कितना इनपुट है, आउटपुट क्या है, उनको तो दिख रहा, तो यही है सर। सर एक बात और, आपने आखिर में रहने खाने की व्यवस्था करी, कोटा में बहुत सारे लोग जाते हैं लॉज में रहते हैं या फिर
स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो क्या XIIT में रहने और खाने की सुविधा मुहैया उपलब्ध है? हॉस्टल फैसिलिटी है आपके पास? हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है एंड बॉयज हॉस्टल भी है। गर्ल्स हॉस्टल ज़्यादा दूरी पे नहीं, बगल है, पैदल रास्ता है, बट बॉयज हॉस्टल थोड़ी दूरी पे है, उसके लिए थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हमारे पास है, बट उसके लिए अलग से थोड़ा सा उसका खर्चा देना पड़ता है पेरेंट्स को। ये बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए ये। सर तो उम्मीद करते हैं कि फिर हम लोग मिलेंगे और रिजल्ट के बाद मिलेंगे कि एक अच्छा सा रिजल्ट बेगूसराय का हो, बिहार का और झारखंड का, दो बैच आप अगर यहां से ले जाते हैं तो इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ फिर हम लोग मिलेंगे कि हम लोग एक अच्छे बच्चों को बनाकर हमने उस चीज को उपलब्ध कराया है। हम रिजल्ट के बाद मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।